उधर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को सैन्य सहायता के तौर पर $350 मिलियन जारी करने का निर्देश दिया है। वहीं अमेरिका और ब्रिटेन समेत 28 देशों ने यूक्रेन को सैन्य मदद के साथ मेडिकल और दूसरी मदद देने पर सहमति जताई है। यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग का आज चौथा दिन है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने दावा किया है कि यूक्रेन ने हथियार नहीं डाले हैं और वो रूस की सेना को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। रूसी सेना के साथ सड़कों पर लड़ाई चल रही है। गौरतलब है कि रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव के बड़े इलाके पर कब्जा करने का दावा किया है। साथ ही रूस की तरफ से लगातार बमबारी जारी है। इस बीच 3 दिन से अकेले पड़े यूक्रेन की मदद करने के लिए आज फ्रांस आगे आया है। फ्रांस की तरफ से यूक्रेन को सैन्य सहायता के तौर पर हथियार भेजे जा रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने खुद इसकी जानकारी दी। रूस यूक्रेन युद्ध पर आज ही फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने बैठक भी बुलाई है, जिसमें फ्रांस के मंत्रियों, टॉप ऑफिसर्स के साथ ही डिफेंस काउंसिल के प्रतिनिधि शामिल रहेंगे। फ्रांस ने यूक्रेन को रक्षा उपकरण भेजने का फैसला किया है। हालांकि हमला करने वाले हथियारों को भेजने का फैसला अभी भी फ्रांस के विचाराधीन है। अभी इस पर फैसला लिया जाना बाकी है। दूसरी तरफ जर्मनी भी यूक्रेन की सैन्य मदद के लिए आगे आया है। जर्मनी रॉकेट लॉन्चर समेत 1000 टैंक रोधी हथियार देने जा रहा है। वहीं अमेरिका और ब्रिटेन समेत 28 देशों ने भी यूक्रेन को सैन्य मदद के साथ साथ मेडिकल और दूसरी मदद देने पर सहमति जताई है। जर्मन सरकार के अलावा जर्मन नागरिक भी यूक्रेन के समर्थन में सड़कों पर उतरे हुए हैं। जर्मनी में हजारों लोग यूक्रेन के समर्थन और युद्ध के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया में भी हजारों लोगों ने यूक्रेन के समर्थन में प्रदर्शन किया, जहां प्रदर्शनकारियों ने पुतिन के खिलाफ नारेबाजी भी की। साथ ही रूस ने सेना को तुरंत वापस बुलाने की मांग की है। ऑस्ट्रिया में हजारों लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि रूसी सेना के लगातार हमलों के बाद भी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की यूक्रेन में डटे हुए हैं। इसकी पुष्टि के लिए उन्होंने अपना एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम कीव में हैं, हम यूक्रेन की रक्षा कर रहे हैं। इस बीच यूक्रेन के नागरिक देश से पलायन भी कर रहे हैं। यूक्रेन के बॉर्डर पर नागरिकों की कई किलोमीटर लंबी लाइन लग गई है, जहां ड्रोन से ली गई तस्वीरों में मानवीय संकट साफ नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।